चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि कल यानी 2 सितंबर को इंडिया कौन सा मैच खेलेगा। ऐसे तो पूरा दिन में बैडमिंटन का ही मैच ज़्यादा रहेगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पैरा कैनोइंग का, जिसमें ओमेन्स बी ए सिंगल 200 मीटर BL2 कैटेगरी में प्राची यादव ने हिस्सा लेने वाला है। सबसे पहले हिट राउंड खेलेंगे वो, जो 6:10 सुबह में होने वाला है। इसमें मैं बता दूँ, 2 हिट में खेला जा रहा है। जो फर्स्ट पोजिशन में आएगा वो डायरेक्ट फाइनल में जाएगा और बाकी सेमीफाइनल खेलेंगे। फिर टेक्विंडो का ओमेन्स K44 का 49 किलो कैटेगरी में अरुणा तनवार ने मैच खेलते हुए नजर आएगी, जो सर्बिया का जवनविक के खिलाफ राउंड 16 7:15 में खेलेगा। उसके बाद क्वार्टर फाइनल जो 9 बजे होने वाला है, सेमीफाइनल 2:30 में होने वाला है। इसमें से अगर कहीं पे भी हार जाए तो रिपी चार्ज के थ्रू ब्रॉन्ज मेडल मैच जीतने का मौका रहेगा। ये ब्रॉन्ज मेडल मैच शाम में 5 बजे होने वाला है। अल्टीमेटली फाइनल शाम में 5:30 खेला जाएगा इस इवेंट का। फिर शूटिंग में P3 मिक्स 25 mm पिस्तौल SH1 कैटेगरी में आकाश और राहुल शंकर नजर आएंगे। ये पहले क्वालिफिकेशन प्री सेशन खेलेंगे 5:15 में सुबह। उसके बाद क्वालिफिकेशन रैपिड खेलेंगे, जो सुबह 9 बजे होने वाला है। और इसमें से टॉप 8 खिलाड़ी फाइनल में जगह बनाएंगे और ये फाइनल भी काली दोपहर 12 बजे होने वाला है। फिर एथलेटिक्स में मेन शॉट पुट F35 कैटेगरी में अरविंद मल्लिक ने फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे। ये मैच 4:28 में खेला जाएगा। मैं बता दूं कि इस मैच का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 17.31 मीटर का है और वो इस इवेंट में हिस्सा भी ले रहा है, जबकि अरविंद का पर्सनल बेस्ट है 14.05 मीटर। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं, अरविंद को मेडल जीतने के लिए अपना उम्मीद से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करके दिखाना होगा। काल बैडमिंटन में टोटल 8 इवेंट खेला जाएगा। सबसे पहले मैं पारुल परमार का बात करता हूँ। उन्होंने स्टेज 1 मैच में चाइना का चेंग के खिलाफ सुबह 8:50 में खेलेंगे। ये प्लेयर चाइना का सेकेंड सीडेड खिलाड़ी भी है, तो ये मैच पारुल के लिए टफ रहेगा। फिर इस ग्रुप का सेकेंड मैच में पारुल को काली खेलना पड़ेगा। ये मैच जर्मनी का साइबर्ट के खिलाफ होने वाला है, जो 2:30 खेला जाएगा। फिर मेन सिंगल SL4 ग्रुप ए का स्टेज मैच में सुहास अतिराज ने जर्मनी का पोर्ट के खिलाफ खेलेंगे। ये मैच सुबह 6:10 में खेला जाएगा। फिर सेम इवेंट यानी मेन सिंगल SL4 का ग्रुप बी में तरुण धिल्लन ने थाईलैंड का टियरम के खिलाफ खेलेंगे। ये मैच सुबह 6:50 में खेला जाएगा। मैं और बता दूँ कि तरुण धिल्लन इस इवेंट में सेकेंड टॉप सीडेड खिलाड़ी भी है। फिर मेन सिंगल SS6 का ग्रुप बी में कृष्णा नगर ने ग्रुप स्टेज का पहला मैच मलेशिया का तेराशोस के खिलाफ 9:30 खेलेंगे। मैं ये बता दूं, कृष्णा नगर भी इस इवेंट का सेकंड टॉप सीडेड खिलाड़ी है। फिर मेन सिंगल SL3 ग्रुप ए में प्रमोद ने अपना ग्रुप स्टेज का सेकंड मैच खेलेंगे। ये मैच उन्होंने यूक्रेन का चायरोकप के खिलाफ 1:10 में खेलेंगे। हम लोग तो ये चाहते हैं कि इस मैच में बहुत बड़े विन से प्रमोद ने जीते और उनका ये जीत दूसरे खिलाड़ी मनोज सरकार को सेमीफाइनल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। फिर ओमेन सिंगल SU5 का ग्रुप ए में पलक कोहली ने तुर्की का बगलर के खिलाफ सुबह 10:10 में खेलेंगे। ये मैच उनके लिए मस्ट विन मैच हो गया, क्योंकि उन्होंने आज पहला मैच हार गया है। सेम कहानी मिक्स डबल का ग्रुप बी में भी है। प्रमोद और पलक ने पहला मैच आज हार गया है, तो ग्रुप स्टेज का सेकेंड मैच जो काल खेलने वाला है चाइना की टीम के खिलाफ सुबह 5:30 में नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने के लिए, ये मैच जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।